भाई लोग कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro का गेमिंग टेस्ट, जिसमें हम खेलने वाले हैं आज PUBG और देखने वाले हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। साथ ही साथ देखेंगे हम कि ये फ़ोन हीट हो रहा है या नहीं, या फिर कितना हीट हो रहा है, तो सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों Redmi Note 8 Pro का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का गेमिंग टेस्ट, किस तरह से चलता है, किस तरह से परफॉर्म करता है PUBG मोबाइल Redmi Note 8 Pro में, साथ ही साथ किस तरह का ग्राफिक हमको इसमें देखने को मिलेगा, सारा चीज़ जो देखेंगे। तो फ़िलहाल जो है हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो फ़िलहाल नॉर्मल है, और अभी मैं जो है अपना PUBG मोबाइल ओपन कर रखा हूं। और यहां से चलिए हम यहां सेटिंग में जाते हैं, और यहां पर जो है ग्राफिक पे अगर देखें तो यहां पर HDR पे अल्ट्रा पे है, यहां मतलब HDR और अल्ट्रा पे खेल सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है हम खेलेंगे HDR और अल्ट्रा में। फ़िलहाल हम आ चुके हैं PUBG मोबाइल के लॉबी में, और यहां पर डिस्प्ले की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले में आपको जो है फ़िलहाल हमारा गेम जो है वो HDR में अल्ट्रा में चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर वगैरह जो है थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंट्रास्ट की कमी आएगी नज़र आएगी, यानी कि अगर दूसरे फ़ोन के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा यहाँ कंट्रास्ट जो है वो थोड़ा कम है, थोड़ा सेचुरेटेड कलर जो है वो थोड़ा कम लग रहा है, और बाकी सब तो ठीक है, काफ़ी मतलब स्मूथ दिख रहा है। और यहाँ पर जो है हम HD में भी अगर करके देखते हैं अल्ट्रा में, तो यहाँ देख लेते हैं तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। दोस्तों बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें डॉच नॉट का IPS डिस्प्ले है जो कि काफ़ी बढ़िया है, मगर इस पर जो है कलर वगैरह उतना परफेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो यहाँ कंट्रास्ट कम है, थोड़ा ब्राइटर ज़्यादा लगता है डिस्प्ले। और कलर वगैरह की बात करें तो कलर वगैरह ठीक है, मगर आप अगर कंपेयर करते हैं किसी AMOLED डिस्प्ले की, या फिर मेरे पास है मेरे पास में है ओप्पो F11 Pro का, तो उसके डिस्प्ले के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा जो है आपको कंट्रास्ट की कमी नज़र आएगी। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो पहली बार जब हमने इसमें PUBG खेला था, PUBG ओपन किया था, तब ये डिस्प्ले हमें उतना मतलब इम्प्रेस नहीं कर पाया था मुझे और मेरे दोस्तों को। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंपेयर करें किसी और डिस्प्ले के साथ तो ये जो है हमें निराश करती है, और इसमें जो है कोई बढ़िया सा डिस्प्ले और डिस्प्ले देना चाहिए, जैसे कि AMOLED डिस्प्ले अगर होता तो फिर कुछ बात और होती है। दोस्तों बात करते हैं अब इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो ये फ़ोन पे गेम कैसा रन करता है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है MediaTek का हीलियो G90T का प्रोसेसर, जो गेम काफ़ी स्मूथ चलता है, और मैं यहाँ पर अगर कंपेयर करूँ अपने फ़ोन के साथ तो मुझे जो है ये ओप्पो F11 Pro से मुझे इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया लगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है MediaTek का हीलियो G90T का जो लेटेस्ट चिपसेट है वो कमाल करती है, और आपको जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्मूथ आपको गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ गेमिंग के मामले में आपको कोई भी किसी तरह का जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें PUBG कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह जैसी गेम है काफ़ी स्मूथ आप खेल सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए जो है आपको कोई भी इशू नज़र नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि फ़ोन कितना हीट होता है या कितना जो है गर्म होता है। तो भाई यहाँ पर जो है मैंने एक पूरा मैच खेला है PUBG का, और एक चिकन डिनर भी लिया है। तो यहाँ पर जो है एक मैच खेलने के बाद मुझे जो है इस फ़ोन पे हीटिंग का इशू नज़र आया है, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे की तरफ तो यहाँ पर जो है इस जगह पर आपको हीट ज़्यादा महसूस होगी। तो हीट की बात करें और किसी और फ़ोन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ जो है हीट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये फ़ोन जो है हीट के मामले में कहीं ना कहीं आपको निराश करेगा। फ़ोन जो है गर्म हो रहा है, और वैसे भी अभी विंटर का सीज़न है, तो अभी अगर ये फ़ोन इतना हीट हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि गर्मी का मौसम में ये फ़ोन आपको कितना हीट जनरेट करेगा। तो कुल मिला के अगर फाइनल बात किया जाए तो फ़ोन का डिस्प्ले ओके है और गेमिंग परफॉर्मेंस बेस्ट है, और यहाँ पर अगर हीट की बात करें या गर्म फ़ोन का टेम्परेचर की बात करें तो फ़ोन जो है थोड़ा गर्म हो रहा है। तो यही है आज का रिव्यू गेमिंग परफॉर्मेंस Redmi Note 8 Pro का। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।